हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होम क्रिएशन फूड एंड प्लांट्स में। देखिए ये छोटी सी चिड़िया आई हुई है हमारे यहाँ पे, देखो आपको दिख रही होगी, पूरा एक जोड़ा है। अब ये नीचे चले गई हैं, आज मैं इनको ट्रैक करने के लिए बहुत देर से यहाँ बैठी हूँ, रोज़ मेरे हाथ से निकल जाती थी, आज मैंने इनको शूट कर ही लिया आखिरकार। कहाँ गई, हाँ अब वो नीचे वाले पौधों पे चली गई हैं। देखिए वो बैठी, ये रोज आती हैं लेकिन मैं इनको नहीं कर पाती हूँ ट्रैक। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इनको मैं कैमरे में कैद कर पाई हूँ। वाओ, सो ब्यूटीफुल, बहुत खुशी होती है जब ऐसे परिंदे हमारे यहाँ पे आते हैं। उड़ गई, आती रोज हैं लेकिन मैं जब तक फ़ोन उठाती हूँ इन्हें ट्रैक करने के लिए तभी ये भाग जाती हैं। अब आने स्टार्ट हो गई हैं, आती हैं कभी कभी, ज़्यादा भी आती हैं कभी कभी, चार पांच आ जाती हैं। पहले सबसे पहले एक ही आती थी। तो आज फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं सदाबहार के ऊपर। तो सदाबहार का पौधा हमेशा ही सदा हरा भरा रहता है, इसका नाम इसलिए सदाबहार है, इसको बारहमासी भी कहते हैं। और इसका यूज़ आयुर्वेद में भी होता है, इसमें इसके पत्तों को और इसके फूलों को खाया जाता है, जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं वो उनको सुबह सुबह इसके पत्तों का पेस्ट बना के और इस तरह से, और या फिर इसके फूलों को ऐसे ही सुबह सुबह खाली पेट चबा के खाया जाता है। और ध्यान रखने वाली बात ये है फ्रेंड्स कि इसके जो ये देसी होते हैं, आप देख लीजिए ये वाइट वाला और ये वाला, ये इसके ओरिजिनल होते हैं, यानी कि देसी हैं, ये हाइब्रिड नहीं है, यही खाए जाते हैं, इनका ही खाने से फ़ायदा मिल सकता है। जो इसके हाइब्रिड होते हैं और रेड कलर, मर्जेंटा, डार्क और शेडेड जो आते हैं, उनको खाने का कोई ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो आयुर्वेद में जो देसी चीज़ें होती हैं उनसे ही हमें ज़्यादा लाभ मिल सकता है। तो हमें इनको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, वो हमें हो सकता है अच्छा रिजल्ट ना दें। तो इन्हीं के बारे में बताया गया है, तो इनके पत्तों का ही और इनकी फूलों का ही इस्तेमाल होता है। और इसके मेंटेनेंस की जहाँ बात करें हम, तो इस कोई मेंटेनेंस ही नहीं है, ये एक बार बस आप लगा दो लाके, फिर आपको इसको पानी देने के अलावा कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ पानी देते रहो। देखिए पानी दिया हुआ है, इसमें ना कोई खाद डाली हुई है, और देखो आप देखो खुद कैसा हो रहा है। ये एक पौधा लगाया था और एक के मैंने बीज ला के डाल दिए थे, और अब ये देखो बहुत सारे गमलों में अपने आप ही हो गया। इसमें फली आती हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको, हाँ ये देखो ये इसकी फलियाँ हैं, और ये पकने लग जाती हैं, ऐसे पक जाती हैं, पीली हो जाती हैं पक के, और फिर इसके अंदर से काले रंग के छोटे छोटे से दाने निकलते हैं। वो जहाँ भी गिरेंगे, जिस गमले में, यहाँ तक कि ज़मीन में भी गिरेंगे, तो वो ज़मीन में भी पौधे अपने आप हो जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ज़मीन में भी कैसे हो जाता है, देखिए ये देखिए ये छत पे ही हो गया। तो इनको हमें उखाड़ना भी पड़ता है कई बार, क्योंकि कई बार ये गलत जगह पर हो जाते हैं, तो इन्हें उखाड़ के भी शिफ्ट करना पड़ता है, या तो उखाड़ के फेंकना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप बस एक बार एक पौधा लगाइए और फिर तो ये अपने आप ही आपके सारे गमलों को फुल कर देंगे, और आप बड़े बड़े गमलों में तो इन नीचे की तरफ आराम से लगा सकते हैं। मैंने बड़े गमले में लगाया हुआ है, और इसके ऊपर मैंने ये बेरी का पेड़ लगाया हुआ है। चिड़ियाएँ आती हैं इसके ऊपर बैठती हैं, चिड़ियाएँ इसको काफ़ी पसंद करती हैं, और थोड़ा बंदरों से भी ये बचाता है और पौधों को।
जिसके पास वाला बैठा रखा है चंपा, इसको काफ़ी बचाता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरा आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके बताएं। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में सभी लोगों को भेजें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।